बोल रहा है। हाँ क्या कहेंगे धीरू साहब, इस दादा साहब फालके के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से जो आप वर्क कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी इस कोविड के टाइम पे, और कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं? आप सबसे पहले मैं आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और आज माताओं का दिन है तो उन सभी को माताओं को मैं नमन करता हूँ दिल से, हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। दादा साहब फालके आइकॉन अवार्ड एक ऐसा एनजीओ है जो हम अभी से नहीं लास्ट साल या ईयर से काम करते आ रहे हैं, काफ़ी दिन सेवा की, ऐसे काफ़ी एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं, पर सिर्फ कोई काम के लिए नहीं जुड़ते, कोई सिर्फ नाम के लिए जुड़ते, कोई पैसे के लिए जुड़ते, पर ये एक्चुअल काम हम लोग कर रहे हैं, हम अपने हाथों से नहीं, किसी के भरोसे किसी को दे रहे हैं, हम घर घर जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, ये हम नहीं, ऊपर वाला करा रहा हमसे, हमें जरिया उनसे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्व हो रहा है, महसूस हो रहा है सब चीज़ों। अभी और क्या करने वाले हैं इस एनजीओ के माध्यम से? अवार्ड शो भी होने वाला है शायद, अगर कोविड खुल जाता है तो वो अवार्ड शो क्या ऐसे ही होगा या टेलीफोनिक होगा, वीडियोस को होगा, क्या सोचा है? अवार्ड होगा तो हमारा वो स्टेज पे होगा, टेलीफोनिक करके वहीं करेंगे, एक अच्छे लेवल पे करेंगे, अच्छे माध्यम से करेंगे, जो सरकार का गाइडलाइंस रहेगा उसका अनुशासन पालन करते ही हम कुछ करेंगे, और जैसे गाइडलाइंस रहेगा उस हिसाब से हम आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। थैंक यू सर, थैंक यू।